रेजोनेंस, फर्स्ट सीरीज रेजोनेंस। तो सीरीज रेजोनेंस स्टार्ट कर रहा हूं मैं इसके डायरेक्ट आपको फॉर्मूले लिख के दे रहा हूं। तो फर्स्ट है कंडीशन, कंडीशन चार कंडीशंस है सीरीज रेजोनेंस में, चार कंडीशंस। फर्स्ट है जेड टी इज इक्वल्स टू आर, टोटल इंपीडेंस जो होता है ना सर्किट का वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। फिर उसके बाद एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। देन वीएल इज इक्वल्स टू वीसी होता है, कैपेसिटर एंड इंडक्टर दोनों के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो इक्वल होता है। फिर उसके बाद वी टी इज इक्वल्स टू वी आर, वी टी इज इक्वल्स टू वी आर दैट इज टोटल सर्किट का जो वोल्टेज होता है वही वोल्टेज रेजिस्टेंस का होता है। ये चार कंडीशन कैसे आए वो वीडियो देखो, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है, समझो। तो ये चार कंडीशंस अच्छे से याद रखना है। सेकेंड, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो एफ आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/2 पाई अंडर रूट LC, इसका यूनिट रहेगा हर्ट्ज। अगर आपको रेडियन पर सेकेंड में बोला है कैलकुलेट करने के लिए, रेडियन पर सेकेंड, तो फॉर्मूला आएगा ओमेगा आर इज इक्वल्स टू 1/√LC, ये आएगा रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट, फिर उसके बाद है क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर इज इक्वल्स टू 1/R अंडर रूट L/C। फिर उसके बाद है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर, VL और VC। एक्चुअली VL एंड VC दोनों सेम ही तो होता है, दोनों सेम ही होता है। तो VL इज इक्वल्स टू VC इज इक्वल्स टू आएगा VT/R इंटू √L/C। देखो क्वालिटी फैक्टर एंड ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैपेसिटर दोनों सेम ही है, बस यहाँ पर 1/R है, यहाँ पर VT/R। ओके चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद बैंडविड्थ, फिफ्थ फॉर्मूला है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ के लिए फॉर्मूला है R/2πf, अगर आपको हर्ट्ज में चाहिए तो, और अगर रेडियन में चाहिए तो रेडियन पर सेकंड में चाहिए तो R/L। यह आएगा रेडियन पर सेकेंड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ के बाद बाकी ओम्स लॉ वगैरह वो तो सब पता ही है, ओम्स लॉ ZT इज इक्वल्स टू VT/90। तो सीरीज रेजोनेंस में चेक करता हूँ और कोई फॉर्मूला बचा है क्या। चलिए अभी ये डायरेक्ट आप लोगों को फॉर्मूलेस देना पड़ रहा है इसलिए ऐसा, नहीं तो ये डिराइव करने आपको आना चाहिए, इसलिए वो डेरिवेशन वाला वीडियो देखें। चलो हो गए सभी फॉर्मूलेस हो गए आपके, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है रेजोनेंस में, बच्चे लोग का मेन प्रॉब्लम ये होता है कि बोलते सर हम लोग को पता ही नहीं चलता कि ये क्वेश्चन रेजोनेंस का है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में रेजोनेंस ऐसा वर्ड दिया रहता है। रेजोनेंस ऐसा वर्ड अगर क्वेश्चन में दिख रहा है मतलब वो 100% की क्वेश्चन रेजोनेंस का है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो होते हैं रेजोनेंस के लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको ऐसा रेजोनेंस वर्ड नहीं दिखता, तब कैसे आइडेंटिफाई करने का कि हाँ ये क्वेश्चन रेजोनेंस है। तो मैं कुछ कंडीशंस आपको दे रहा हूँ वो ढूंढने का, क्वेश्चन में कहीं पर दिख रहा है, मैं जो कंडीशंस दे रहा हूँ उसमें से एक भी कंडीशन दिया है ना क्वेश्चन में समझ लो वो रेजोनेंस है। कौन से देखो,
करंट फ्लोइंग थ्रू, करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज मैक्सिमम, ऐसा दिखा ला लाइन क्वेश्चन में, समझ लो रिजल्ट। सेकेंड, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इज मिनिमम, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इज मिनिमम, ऐसा दिखा ना, समझ लो वो रेजोनेंस है। लेकिन कौन सा? सीरीज रेजोनेंस है, सीरीज रेजोनेंस के ये सब बातें मैं कर रहा हूं। चलो फिर उसके बाद, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज वन, पावर फैक्टर ऑफ सर्किट इज वन और यूनिटी, यूनिटी पावर फैक्टर ऑफ सर्किट इज यूनिटी, ऐसा बोला है सीरीज रेजोनेंस। देन फोर, फोर वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, मतलब दोनों के बीच का फेज एंगल कितना हुआ? जीरो, दैट इज फेज एंगल इज जीरो। फेज एंगल अगर जीरो है तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस फाई, फाई का वैल्यू जीरो है, दैट इज कॉस जीरो, कितना आएगा? वन, यूनिटी पावर फैक्टर। तो ये कुछ कंडीशंस है, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैपेसिटर आर सेम, ये भी पता है। देखेंगे अब एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, उसमें और कोई अगर नया कुछ कंडीशन दिखा तो मैं यहाँ पर ऐड करते जाऊँ। तो अभी के लिए ये चार कंडीशंस है, इसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन में दिख रहा है मतलब वो रेजोनेंस का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते फिर। हाँ, इसमें आप लोग ये और एक कंडीशन ऐड कर सकते हो, करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज मैक्सिमम एंड, हाँ यस वो तो ऐड किया हमने। कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, कॉइल वर्ड आ गया मतलब कौन सा? आर एल कॉम्बिनेशन इज ऑफ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.01 हेनरी, मतलब एल का वैल्यू दिया। इज कनेक्टेड इन सीरीज, इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ कैपेसिटर, विथ कैपेसिटर। देखो जो लोग इसके हैं अपने, जिनके पास कोर्स का एक्सेस अवेलेबल है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम लोग, मैंने मैकेनिक्स के टाइम भी बोला था, अभी भी बोलूंगा, अगर आपके पास कोर्स का एक्सेस है तो आप लोग कोर्स के वीडियो देखना शुरू करो, ये यूट्यूब लाइव मत अटेंड, क्योंकि वहां के जो वीडियोस है वो आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। वहां पर बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने अपलोड करके रखे हैं, अगर किसी के पास कोर्स का एक्सेस है तो। ये आप लोग फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते ना वीडियो, जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए आरकेडी में, वो लोग यहाँ पर रुको, बाकी सब लोग वहां पर जाके कोर्स में जाके वीडियोस देखना शुरू करो। नेक्स्ट, सो कैपेसिटर अक्रॉस, सीरीज विथ कैपेसिटर अक्रॉस 230 वोल्ट, व्हाट मस्ट बी द कैपेसिटेंस, व्हाट मस्ट बी द कैपेसिटेंस, इन ऑर्डर, व्हाट मस्ट बी द कैपेसिटेंस इन ऑर्डर दैट मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट ऑकर्स एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, फाइंड ऑल्सो करंट, फाइंड ऑल्सो करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर,
पूरे क्वेश्चन में देखो कहीं पर भी रेजोनेंस वर्ड आपको नहीं दिखे, तो कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन रेजोनेंस का है करके? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। कॉइल, कॉइल मतलब आर एल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस का वैल्यू है, एल का वैल्यू इंडक्टेंस हेनरी यूनिट से पता चलेगा। इज कनेक्टेड इन सीरीज विद कैपेसिटर, मतलब आर एल सी सीरीज सर्किट है ये। अक्रॉस 230 वोल्ट, दैट इज सप्लाई वोल्टेज दिया, टोटल वोल्टेज, व्हाट मस्ट बी द कैपेसिटेंस, सी का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है इन ऑर्डर दैट मैक्सिमम करंट, मैंने क्या बोला था मैक्सिमम करंट, ये ऐसा वर्ड दिखा आपको, मतलब वो क्वेश्चन रेजोनेंस का है। एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, मतलब ये क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी जो दिया है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, लेकिन कौन सा, एफ आर है या ओमेगा आर, एफ आर या ओमेगा आर, मैंने दो फ्रीक्वेंसी दिया, यूनिट से आइडेंटिफाई करना है, अगर हर्ट्स यूनिट दिया मतलब वो एफ आर है, रेडियन पर सेकेंड दिया होता तो वो ओमेगा आर। फाइंड ऑल्सो करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, फाइंड ऑल्सो करंट, करंट टोटल करंट कैलकुलेट करना है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कैलकुलेट करना है। ओके सो स्टार्ट करता हूं मैं। अब यहां पर आपको गिवन डेटा, गिवन डेटा टू फाइंड ये वाला मेथड यूज करना है। गिवन डेटा बताओ क्या क्या है गिवन, इसमें आर का वैल्यू है 2 ओम, देन एल का वैल्यू है 0.01 हेनरी, सी कैलकुलेट करना है मुझे, इसको टू फाइंड में लिखेंगे, देन क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, एफ आर फ्रीक्वेंसी दिया है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, एंड करंट इज मैक्सिमम, ये वाला कंडीशन दिया, करंट इज मैक्सिमम, देन टू फाइंड में, टू फाइंड में, टू फाइंड में आपको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, देन करंट कैलकुलेट करना है, एंड वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं सॉल्यूशन। अब जो लोग मेजरमेंट लेके बैठे हैं ना वो लोग यहाँ पर अब बहुत खुश होंगे, नहीं अब उनका रिएक्शन क्या रहेगा, मतलब देख दे मैं ये पहले लिखता हूँ फिर उनका रिएक्शन क्या रहेगा मैं बताता हूँ, जो लोग मेजरमेंट लेके बैठे हैं। सॉल्यूशन, करंट इज मैक्सिमम, करंट इज मैक्सिमम, देयरफॉर गिवन सर्किट इज सीरीज रेजोनेंट सर्किट, इवन सर्किट इज सीरीज रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस में बताओ क्या क्या कंडीशंस मैंने बताए थे आपको, ZT इज इक्वल्स टू R, बताओ ZT इज इक्वल्स टू R, एंड R इज इक्वल्स टू कितना है 2 ओम, मिल गया ZT का वैल्यू। अब बुलाओ आपका फेवरेट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड कौन है, ओम्स, ओम्स को बुलाओ, अरे सप्लाई वोल्टेज भी दिया है, सप्लाई वोल्टेज VT दिया है 230 वोल्ट यहाँ पर, चलो आपके बेस्ट फ्रेंड को बुलाओ, बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका, ओम्स ना, ओम्स लो, VT इज इक्वल्स टू ZT इंटू IT, ZT है मेरे पास, VT है मेरे पास, IT कैलकुलेट करना है, तो IT इज इक्वल्स टू क्या आएगा फिर फॉर्मूला, IT इज इक्वल्स टू VT अपॉन ZT, 230 डिवाइड बाय ZT इज 2, सो IT इज इक्वल्स टू कितना आएगा 115 एम्पीयर, मिल गया IT, करेक्ट, एक वैल्यू मिल गया IT। चलो फिर उसके बाद, फिर उसके बाद FR रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बता, FR इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट LC, 1/2 पाई अंडर रूट LC, FR का वैल्यू दिया है 50, 1/2 पाई अंडर रूट एल का वैल्यू दिया है 0.01 इंटू सी, सी कैलकुलेट करना है, सॉल्व फंक्शन यूज कर सकते हो, यहाँ पर सॉल्व फंक्शन यूज कर सकते हो, सी के जगह एक्स टाइप करने का, तो 50 अल्फा कैल, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 2 पाई, देन अंडर रूट 0.01 इंटू एक्स, टाइप किया, शिफ्ट कैल्क इक्वल, नहीं सुनो सुनो सुनो, आपका कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मोड में, कॉम्प्लेक्स मोड में, कॉम्प्लेक्स मोड में सॉल्व फंक्शन यूज नहीं होते, ये दिमाग में रखो हमेशा, तो ये सॉल्व फंक्शन यूज करने से पहले कैलकुलेटर को रिसेट करो, क्लियर कर दो।
अब 50 50 अल्फा कैल इक्वल साइन 1 डिवाइड बाय 2 पाई अंडर रूट 0.01 इनटू एक्स टाइप किया। अब शिफ्ट कैल्क इक्वल टी का आंसर आ गया देखो 1.01 इंटू 10^-3 फैरेड, मिल गया सी का आंसर। चलो दो वैल्यूज हो गया, अब बच गया बी सी। बी सी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला मैंने लिख के दिया है आपको, बी सी इज इक्वल्स टू वी टी अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी। वी टी का वैल्यू 230, आर का वैल्यू 2 अंडर रूट, एल का वैल्यू 0.01 एंड सी का वैल्यू 1.01 इंटू 10^-3। बताओ 230 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट, न्यूमरेटर में 0.01 डिनोमिनेटर में 1.01 इंटू 10^-3 361.85। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलो अब जो लोग मेजरमेंट लेके बैठे हैं, तीनों आंसर्स मिल गया देख, बी सी आई टी एंड सी, 10 मार्क का क्वेश्चन है, 10 मार्क। जो लोग मेजरमेंट लेके बैठे हैं वो लोग बोलेंगे अरे इतना इतना सही, 10 मार्क के लिए इतना सही, मार्क मिलेगा क्या? मतलब उनको कैसा है, छोटा दिया तो भी प्रॉब्लम है, बड़ा दिया तो भी प्रॉब्लम है, करने का क्या? 10 मार्क, मार्क के हिसाब से तुम लोग का आंसर नहीं होता है कभी, समझा? यहाँ पर तुम लोग जो 10 मार्क के लिए ये सब लिख रहे हो, इसमें से ये जो कैलकुलेशन आपने किया ना, इसके लिए 5 मार्क है। ये तो 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर सकता है, उसको कैलकुलेटर दो, उसको बताओ हाँ ये देखिए ऐसा बटन प्रेस करने का ये सब वैल्यूज है, अरे वो इतना खुश होकर सॉल्व करेगा ना, वो बोलेगा इससे डिफिकल्ट प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व करता हूँ, डिविजन मल्टीप्लीकेशन वगैरह फुल डेज में। ये आपको कैलकुलेटर यूज करके सब करना है, वो कितना खुश होगा? कैलकुलेशन जो आप लोग लिख रहे हो ये सब, इसके लिए 5 मार्क है। 5 मार्क किसके लिए मालूम है? इसके लिए। ये सर्किट, ये क्वेश्चन रेजोनेंस का है, ये आइडेंटिफाई करने का जो आपका स्किल है ना, उसके लिए आपको मार्क्स मिल रहे हैं, समझा? चलो फटाफट रिप्लाई चाहिए, समझा सबको यहां तक? यस और नो? चलो सीरीज रेजोनेंस के बाद पैरेलल रेजोनेंस। पैरेलल रेजोनेंस में पहले कंडीशंस, जैसे सीरीज में देखो मैंने आपको 4 कंडीशंस दिए थे, पैरेलल में बस 2 ही कंडीशंस है। पैरेलल में सिर्फ 2 कंडीशंस है, एक है आई सी इज इक्वल्स टू आई कॉइल साइन फाई कॉइल एंड आई टी इज इक्वल्स टू आई कॉइल कॉस फाई कॉइल। ये इसका भी डेरिवेशन एक बार अच्छे से देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेजोनेंस का वीडियो अवेलेबल है, इसमें रिजोल्यूशन वाला कंसेप्ट ना मैकेनिक्स का कंसेप्ट यूज हुआ है, जिसका एंगल उसका कॉस, चेक करो एक बार, बहुत मजा है वो डेरिवेशन देखने में। तो ये 2 कंडीशंस है। नेक्स्ट इम्पीडेंस, इम्पीडेंस जेड टी इज इक्वल्स टू एल अपॉन सी आर, ये फॉर्मूला है पैरेलल रेजोनेंस में। एंड क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, फॉर्मूला सेम है सीरीज एंड पैरेलल के लिए, 1/r अंडर रूट एल अपॉन सी। बस इतना ही है। पर हाँ इसमें ये वाला क्वेश्चन एक आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस। जो लोग थेरी थेरी क्वेश्चन कर रहे थे ना, वो लोग ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस। अब उसका आंसर क्या है वो नोट्स में अगर आप लोग जाओगे
इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, देखो। तो वो नोट्स में अगर आप लोग जाते हो तो वहां पर लास्ट में देखो एसी सर्किट जहां पर खत्म होता है, पेज नंबर 254 है, जहां पर खत्म होता है वहां पर देखो ऐसा टेबल फॉर्मेट में मैंने लिख के दिया है, सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस में डिफरेंशिएट अगर करना है तो क्या क्या पॉइंट्स आपको वहां पर लिखने हैं, तो वो सभी वहां पर मैंने लिख के दिया है। 10 मार्क के लिए आता है ये क्वेश्चन, ये करके जाओ अच्छे से। डिफरेंशिएट मतलब ऐसा आता है कंपैरिजन, कंपैरिजन आता है मतलब कंपेयर करना, कंपेयर करना है मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जो अलग अलग होते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं, जैसे कि क्वालिटी फैक्टर, ये भी आपको वहां पर लिखना है, दोनों तरफ सेम ही है ना, तो कंपेयर करना है आपको, कंपेयर क्वालिटी फैक्टर सीरीज के लिए एंड पैरेलल के लिए, दोनों के लिए सेम आएगा। इंपीडेंस अलग था, सीरीज में इंपीडेंस क्या था, Z इज इक्वल्स टू R था, यहाँ पर Z इज इक्वल्स टू L अपॉन C R। नेक्स्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एफ आर, सीरीज रेजोनेंस में क्या था 1/2π√LC, लेकिन यहाँ पर बड़ा फॉर्मूला है 1/2π√1/LC − R² / L², ये फॉर्मूला कैसे आता है इसका डेरिवेशन आप लोग देखो, वो सब अवेलेबल है इस वीडियो में। सो इतने सारे फॉर्मूले हैं पैरेलल रेजोनेंस में, और कंडीशंस कैसे आइडेंटिफाई करने का कि ये क्वेश्चन पैरेलल रेजोनेंस का है करके, सीरीज के एग्जैक्ट अपोजिट। सीरीज में मैंने आपको क्या क्या बताया था, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज मैक्सिमम, पैरेलल रेजोनेंस में क्या होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज मिनिमम, इंपीडेंस ऑफ सर्किट इज मिनिमम, वहां पर इंपीडेंस ऑफ सर्किट इज मैक्सिमम, समझा मैक्सिमम। और ये वाले जो है वो सेम ही, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज 1 यूनिटी, अब वो सीरीज रेजोनेंस हो पैरेलल रेजोनेंस हो पावर फैक्टर हमेशा कितना रहेगा 1 रहेगा। ये वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, दैट इज फेज एंगल इज 0, ये दो कंडीशंस सेम है, सीरीज हो या फिर पैरेलल, ये दो कंडीशंस जो है वो पैरेलल में अपोजिट है, अपोजिट मतलब करंट का वैल्यू सीरीज में कैसा था मैक्सिमम, पैरेलल में मिनिमम, इंपीडेंस का वैल्यू सीरीज में कैसा है मिनिमम, पैरेलल में कैसा रहेगा मैक्सिमम, समझो, और ये दो कंडीशन सेम। चलो तो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं फिर। An inductive coil of resistance 20 ohm, coil में दो components होते हैं, एक R होता है और एक XL होता है, so R का value 20 है and inductance of 0.2 Henry is connected in parallel with 200 microfarad capacitor. With variable frequency. देखो मैंने आपको क्या बोला था, नॉर्मल सर्किट को रेजोनेंट में अगर कन्वर्ट करना है तो तीन ऑप्शन है, वेरिएबल इंडक्टर, वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, और तीनों में से एट ए टाइम एक ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मतलब इंडक्टर एंड कैपेसिटर के वैल्यूज फिक्स है, तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कमा 230 वोल्ट सप्लाई, 230 वोल्ट सप्लाई, फाइंड एफ आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी at which the total current taken from supply
find frequency, find frequency at which the total current taken from supply is in phase with supply voltage. And also find the value of this current. चलो बताओ, क्वेश्चन में कई बार भी रेजोनेंस ऐसा वर्ड नहीं, तो कैसे पता चलेगा? फाइंड एफ फ्रीक्वेंसी एट विच टोटल करंट टेकन फ्रॉम सप्लाई इज इन फेज विद सप्लाई वोल्टेज. वोल्टेज एंड करंट दोनों कैसा चाहिए मुझे? इन फेज. इन फेज मतलब दोनों के बीच का फेज एंगल कितना? जीरो. मतलब ये क्वेश्चन पैरेलल रेजोनेंस. ये जो आपने आइडेंटिफाई किया, ये जो स्टेटमेंट लिखा है, इससे जो आपने आइडेंटिफाई किया कि ये क्वेश्चन रेजोनेंस का है, इसके लिए आपको मार्क मिल रहा है. ये जो स्किल आप लोग इंप्रूव कर रहे हैं, समझा? तो बताओ, गिवन गिवन आर का वैल्यू है 20, इंडक्टेंस एल का वैल्यू है 0.2 हेनरी, देन सी का वैल्यू है 200 माइक्रो फैरेड. माइक्रो मतलब कितना? 10^-6 फैरेड. ये याद रखो, माइक्रो मतलब स्टार्ट होता है मिली से, मिली फैरेड मतलब 10^-3 फैरेड. माइक्रो फैरेड मतलब क्या होता है? 10^-6 फैरेड. माइक्रो के बाद नेक्स्ट आता है नैनो फैरेड मतलब 10^-9, और फिर आता है पिको फैरेड मतलब क्या? 10^-12. ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है. मिली 10^-3, माइक्रो 10^-6, यहाँ पर माइक्रो दिया था ना, नैनो 10^-9 एंड पिको मतलब 12. जाने की जरूरत नहीं. चलो नेक्स्ट. सप्लाई वोल्टेज दिया है 230 वोल्ट एंड टू फाइंड फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड टोटल करंट कैलकुलेट करना. तो स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्यूशन. करंट एंड वोल्टेज, सप्लाई करंट एंड टोटल करंट दैट इज आई टी टेकन फ्रॉम द सप्लाई मतलब टोटल वोल्टेज आर इन फेज. देयरफोर गिवन सर्किट इज, गिवन सर्किट इज पैरेलल रेजोनेंट सर्किट. अब आप लोग बोलेंगे कि मुझे कैसे पता चले कि ये पैरेलल रेजोनेंस है, क्योंकि ये जो करंट एंड वोल्टेज इन फेज है, ये कंडीशन सीरीज में भी होता है, पैरेलल में भी होता है. पैरेलल है ये कैसे पता चला? क्वेश्चन से पता चला. कनेक्टेड इन पैरेलल होता है, पैरेलल, तो ये पैरेलल रेजोनेंस का क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट. अगर सीरीज वर्ड होता तो ये सीरीज रेजोनेंस का क्वेश्चन होता. स्टार्ट करता हूँ. एफ आर फॉर्मूला मैंने लिख के दिया है 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन LC माइनस R² / L² बताओ. 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन LC, L का वैल्यू 0.2, C का वैल्यू है 200 × 10^-6 माइनस R² 20² डिवाइड बाय L² 0.2². चलो बताओ एफ आर का आंसर कितना आ रहा है? एक भी आंसर नहीं था वो कमेंट बॉक्स में फालतू का. तू कौन से कॉलेज से है, मैं कौन से कॉलेज से है, ये कॉलेज से कोई है क्या? तो वन अपॉन टू पाई अंडर रूट 1 / 200 × 10^-6 माइनस, दो बॉक्स वाला बटन, 20 स्क्वायर
डिवाइड बाय 0.2 स्क्वायर, तो 19.49, 19.49 हर्ट्ज हो गया एफ आर। देन टोटल करंट पूछा है ना, फॉर्मूलाइज एक बार देखो। टोटल करंट आई कॉइल कॉस फाई कॉइल, करेक्ट। चले यहां पर बताओ कॉइल इंपीडेंस क्या होता है। कॉइल इंपीडेंस जेड कॉइल बार इज इक्वल्स टू आर प्लस जे एक्सएल ना। आर का वैल्यू है क्या? यस है 20। एक्सएल कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सएल इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल। एफ का वैल्यू मिल चुका है मुझे 49.49। सो 2 पाई इंटू 19.49 इंटू, अरे नहीं ये सब भी करने की जरूरत है, ये सब भी करने की जरूरत है। देखना टोटल इम्पीडेंस का फॉर्मूला है, जेड टी इज इक्वल्स टू एल अपॉन सी आर। सो जेड टी इज इक्वल्स टू एल अपॉन सी आर, सभी वैल्यूज है अपने पास। एल का वैल्यू कितना 0.2, सी का वैल्यू कितना है 200 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6, एंड आर का वैल्यू कितना है 20। जेड टी कैलकुलेट कर, न्यूमरेटर में 0.2, डिनोमिनेटर में आ जा 200 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 इंटू 20, तो 50। जेड टी इज इक्वल्स टू 50 ओम। अपने दोस्त को बोला, अपना दोस्त है ओम, ओम्स लॉ क्या होता है, आई टी इज इक्वल्स टू वी टी अपॉन जेड टी। वी टी, वी टी 230 वोल्ट, जेड टी 50, बता आई टी इज इक्वल्स टू कितना, 230 डिवाइड बाय 50, आंसर इज 4.6 एम्पीयर। चलो जो लोग मेजरमेंट लेके बैठे, मेजर टेप लेके बैठे थे, वो लोग बहुत खुश रहे होंगे। डाउट नहीं रखना, मार्क मिलेगा 10 out of 10 मिलेगा, इतना लिखा तो भी मार्क, इसके लिए मार्क मिल रहा है, ये लिखने के लिए मार्क नहीं मिल रहा। ये जो आपने आइडेंटिफाई किया करंट, टोटल करंट टेकन फ्रॉम सप्लाई इज इन फेज विद सप्लाई वोल्टेज, जिससे आपको पता चला कि अरे हाँ ये क्वेश्चन रेजोनेंस का क्वेश्चन। ये जो आइडेंटिफाई करने का आपने स्किल इंप्रूव किया है, उस स्किल को आपको मार्क मिल रहा है, समझा। तो वो कंडीशंस याद रखो, कंडीशंस याद रखो। सीरीज एंड पैरेलल के लिए मैंने क्या बोला था, सीरीज के लिए करंट मैक्सिमम, इम्पीडेंस मिनिमम, पैरेलल में उल्टा, करंट इज मिनिमम, इम्पीडेंस इज मैक्सिमम, और ये जो दो कंडीशंस है वो सीरीज एंड पैरेलल दोनों के लिए सेम है।